इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेरो डाकाइट में जो क्लाइंट आईडी होती है वो क्या होती है और जेरो डा में हम क्लाइंट की आईडी किस तरह से निकाल सकते हैं। अलग अलग जगह पर हमें क्लाइंट आईडी डालने का ऑप्शन आता है लेकिन हमारे पास नहीं होती है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको उसको निकालने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो के लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। सबसे पहले हम काइट को जेरो डाकाइट को ओपन करेंगे। जेरो डाकाइट में ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। अकाउंट वाले सेक्शन में इस तरह से हम आ जाएंगे। यहाँ पर ये जीरो डाकाइट है लेकिन इसमें मैंने डार्क मोड ऑन कर रखा है इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी तो हम आ जाएंगे अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर। सेटिंग में हमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती जिससे मैंने डार्क मोड ऑन किया था। अब आते हैं इसमें क्लाइंट आईडी किस तरह से निकाली जाती। तो क्लाइंट आईडी निकलने के लिए हमें जाना है सबसे पहले प्रोफाइल के सेक्शन में। प्रोफाइल के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ आ जाती है लेकिन यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी क्लाइंट आईडी का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो क्लाइंट आईडी निकालने के लिए हम फिर से मैनेज अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें थोड़ा सा ब्राउजिंग व्यू की तरफ ले जाएगा जहाँ पर हमें थोड़ा सा लोड लेना है और हमारे सामने आ चुकी है हमारी क्लाइंट आईडी। ये रही हमारी क्लाइंट आईडी जिसे हम अपना जो यूज़र नेम वगैरह भी बोल सकते हैं। आमतौर पर जब हम जेरो डाकाइट में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर हमसे ये क्लाइंट आईडी पूछी जाती है और दूसरा पासवर्ड मांगा जाता है। तो ये क्लाइंट आईडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने जेरो डाकाइट पर अकाउंट खोल रखा है तो आपके पास जेरो डाकाइट की तरफ से एक मेल भी आती है और उसमें आपको हमेशा मेंशन किया जाता है आपकी क्लाइंट आईडी से ही, यानी कि वहाँ से भी आप इसको कॉपी आराम से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो क्लाइंट आईडी यही होती है आपका एक तरह से यूज़र नेम इसे कहा जा सकता है। आई होप आपको क्लाइंट आईडी निकालना सीख चुके होंगे आप लोग और आपको क्लाइंट आईडी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।